देखी है, लेकिन इस बार उनका जो एक्टिंग है वो ज्यादा अच्छी निकल कर आई है पहले के कंपैरिजन। अभी जो भी जितनी भी मूवीज आई है वो उनकी सब फ्लॉप गई है। फ्लॉप आने के बाद ये एक बेस्ट मूवी है जो कि मुझे मतलब अक्षय कुमार और परेश रावल भाई जितने भी मूवीज उठा के देख लो बहुत बेस्ट काम रहता है दोनों का, तो मजा आ गया। फिर यह था अक्षय कुमार का और बहुत मेहनत की है लगता है उन्होंने, और वाकई में बीवी इतना सपोर्ट कर रही है बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख। परेश रावल जी का रोल भी बहुत ही अच्छा था, और एक जैसे बहुत बड़े एयरलाइंस का मालिक होते हैं उस तरह से एटीट्यूड था उनका, और अपना जो कि हर किसी को आके एक बार मूवी देखना चाहिए, हो सकता है जो सपने देखना भूल गए होंगे वो फिर से सपने देख करके वापस से मेहनत करना शुरू। मूवी बहुत अच्छी थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी खुद की मूवी हो, मैं खुद उसको रोल प्ले कर रहा हूँ। एक आम आदमी को जैसे उसकी फीलिंग होती है, जैसे वो काम बढ़ना चाहता है वैसे ही पूछती थी, और हर पल ऐसे लग रहा था पलक झपकता नहीं था देख रहा था मैं। अक्षय कुमार का काम कैसा लगा? अक्षय कुमार बहुत ही बढ़िया था अक्षय कुमार का, और बहुत मेहनत की है लगता है उन्होंने, और वो राधिका मदान कैसी लग रही है अक्षय कुमार के साथ? उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी, कमाल की जोड़ी थी, और चूंकि मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा थी उनकी, तो बहुत प्यारी भाषा लग रही थी, और वे ऐसा लग रहा था कि देखता ही रहूँ उसको। परेश रावल ने नेगेटिव रोल कैसे लग रहे हैं? परेश रावल जी का रोल भी बहुत ही अच्छा था, और एक जैसे बहुत बड़े एयरलाइंस का मालिक होते हैं उस तरह से एटीट्यूड था उनका, और अपना जो रोल प्ले किया था बहुत ही गजब का प्ले किया उन्होंने। रेटिंग कितनी देंगे 5 में से? 5 में से 5 भी दूंगा, और मैं तो कोशिश करता हूँ अगर ज्यादा होते तो ज्यादा देता उसमें। थैंक यू सर। कैसी लगी सरफिरा? मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अच्छा। जी अक्षय का काम कैसा रहा? अक्षय के काम बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कुछ टाइम से अक्षय बहुत ही बेकार मूवी जो है, सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन वो अच्छी काम नहीं कर रहे थे, और बस वो रीमेक पे, अभी भी रीमेक ही है, लेकिन इस बार उनका जो एक्टिंग है वो ज्यादा अच्छी निकल कर आई है पहले के कंपैरिजन। अभी जो भी जितनी भी मूवीज आई है वो उनकी सब फ्लॉप गई है। फ्लॉप आने के बाद ये एक बेस्ट मूवी है जो कि मुझे पसंद आई है पर्सनली। राधिका और अक्षय की केमिस्ट्री के बारे में पूछूंगा, कैसी लगी आपको? केमिस्ट्री सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी उन दोनों की। फर्स्ट टाइम उन दोनों को साथ देखा गया, लेकिन अब लग रहा है कि आगे भी ये दोनों साथ नजर आने वाले, क्योंकि जो बॉन्ड और जो केमिस्ट्री देखा गया है वो सच में बेस्ट था। परेश रावल ने नेगेटिव रोल कैसे लग रहा है? उनको पहले भी वैसे हमने नेगेटिव रोल में देखा है, तो उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और हमारे लिए कुछ नया नहीं था उनको इस रोल में देखना, तो अफकोर्स हमेशा की तरह वो इस बार भी बेस्ट थे। आउट ऑफ 5? 4। कैसे लगी सर फिरा? मूवी अच्छी थी, आप जाके थिएटर में देख सकते हैं। यूनिक मतलब स्टोरी काफी यूनिक थी, मैंने साउथ वाली मूवी नहीं देखी तो मुझे तो अच्छी लगी वाली मूवी। परेश रावल कैसे लग रहे हैं? अरे भाई ऑसम, मतलब अक्षय कुमार और परेश रावल भाई जितने भी मूवीज उठा के देख लो बहुत बेस्ट काम रहता है दोनों का, तो मजा आ गया उनका काम। रेटिंग कितने देंगे आउट ऑफ 5? 4 स्टार। अच्छा, रिकमेंड करेंगे लोगों को देखने के लिए? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाके देखिए इस मूवी को, मजा आएगा। थैंक यू भाई। माइंड ब्लोइंग सर फिरा, वाकई में सर घुमा दिया। सर घुमा दिया क्यों? मतलब कि काफी अच्छी मूवी है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, दैट्स व्हाई जोक्स अपार्ट सर घुमा दिया। अक्षय कुमार और राधिका मदान की केमिस्ट्री कैसी है? सुपर्ब, मतलब एक वाकई में बीवी इतना सपोर्ट कर रही है बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके। आप जनता को बहुत चाहोगे कि जाके फिल्म को देखें? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर किसी को आके एक बार मूवी देखना चाहिए, हो सकता है जो सपने देखना भूल गए होंगे वो फिर से सपने देख करके वापस से मेहनत करना शुरू कर सकते हैं। इस मूवी ने ये दिखाया है। आउट ऑफ 5? 4.5। थैंक यू।